तो उनमें भाई लोग क्या हाल चाल है, होपफुली सब बढ़िया होगा। अब देखो फिलहाल के लिए अपन ने ये वाले अकाउंट में एस 6 स्टार से स्टार्ट किया था एंड आज अपन ने एस 8 स्टार के ऊपर 50 पॉइंट के आसपास लगा दिया। बाकी यार आज ट्राई करूंगा कि एस 9 स्टार लगा दूं ये वाले अकाउंट में एंड देखते हैं यार कब तक ये वाले अकाउंट में कॉन्करर हो पाएगा। बाकी यार आप लोग का रैंक एंड टीयर का भी क्या चल रहा है एक बार मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता सकते हो। अब देखो यहाँ पे ना सीन क्या है कि अभी इधर यार मेरा जो घर है ना उसका कुछ काम चालू है, उसी वजह से यार यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा मतलब एडिटिंग ठीक से नहीं कर पा रहा क्योंकि आवाज़ बहुत आती रहती है एंड अभी ये टाइम पे भी मैं वॉइस ओवर जो है ना वो छत पे चढ़ के कर रहा हूँ, तो मतलब आपको थोड़ी बहुत यार यहाँ पे बर्ड्स के एंड ये सारी सारी साउंड्स आ रही होगी तो उनको यार फिलहाल से इग्नोर करना। जैसे यार इधर घर का काम ख़त्म होगा ना उसके बाद एकदम ही खतरनाक वाला सेटअप बनाने वाले अपन। प्रॉपर यार सेटअप एक बार हो जाएगा ना उसके बाद यार मज़ा आएगा, क्योंकि अभी के लिए देखो अभी मैं काफ़ी सारी चीज़ें अपग्रेड किया हूँ। अभी एक नया माइक भी परचेस किया मैंने, फिर अभी ये पीसी भी आ जाएगा, नेट का जो इशू था पहले वो भी यार इधर मैंने ख़त्म कर दिया, क्योंकि अभी के लिए देखो यहाँ पे ना वाईफाई अवेलेबल नहीं है, इसी वजह से यार मेरे को अभी तक सिम कार्ड के ऊपर ही कंटिन्यू करना था एंड प्रीपेड में यार अभी ठीक से मेरे को इंटरनेट मिल नहीं रहा था, इसी वजह से यार यहाँ पे ना मैं प्रीपेड से सीधा पोस्टपेड में शिफ्ट हो चुका हूँ। अभी के लिए यार अभी अगर आप मेरी वीडियो की क्वालिटी भी देखोगे ना तो मैं शायद से डेली 2K में वीडियोज़ डालता हूँ, 4K में भी डाल सकता लेकिन उतनी ज़्यादा हाई रिजोल्यूशन की फिलहाल की कोई ज़रूरत है नहीं। मतलब अभी के लिए देखो यहाँ पे ना जो नेट का इशू था वो ख़त्म हो गया एंड जल्दी यार अपना PC भी आ जाएगा, मतलब लाइव स्ट्रीम भी अपन बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। एक बार बस काम खत्म हो जाने दो, मोस्टली यार नेक्स्ट सीजन जैसे स्टार्ट होगा ना तब तक अपना जो सारा सारा सीन है वो भाई इधर शॉर्ट हो जाएगा एंड अगले सीजन से जो हर एक चीज़ की क्वालिटी है ना वो यार एक नेक्स्ट लेवल पर हो जाएगी, मतलब आपको नेक्स्ट सीजन से हर एक चीज़ देखने में मज़ा आने वाला है। तो यार मेक श्योर जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब मार दो। बाकी यार बढ़ते आज की वाली गेम की, तो देखो अभी के लिए यार अपने टोटल 5 किल्स हो चुके थे एंड अभी ये वाले गेम में अपने को 43 के आसपास का प्लस मिलने वाला है। तो इसका मतलब यार ये वाले गेम में किल्स तो बिल्कुल भी कम नहीं होने वाले एंड इसका जो लास्ट जोन रहने वाला है ना लिटरली यार एकदम नेक्स्ट लेवल होगा, क्योंकि जोन ऐसी जगह पे बनता है ना कि यार यहाँ पे एक टाइम के लिए समझ में ही नहीं आ रहा था कि जाऊँ तो जाऊँ कहाँ पे जाके होल्ड करूँगा, यही समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी यार वो वाली गेम में अपन मतलब किस तरह से सिचुएशंस हैंडल करते हैं एंड लास्ट में चिकन निकाल पाते कि नहीं निकाल पाते वो तो यार आपको पूरा गेम प्ले देखने के बाद ही समझ में आएगा। फिलहाल के लिए बस मैं यहाँ पे अपनी बग्गी उठा के यार जोन की तरफ जा रहा था, रास्ते में भाई मेरे को ये एक बंदा दिख जाता है एंड पहले तो मैं सोच रहा था कि यार बॉट रहेगा लेकिन भाई बंदा इधर में भी एकदम ही खतरनाक वाला स्प्रे करने लगता है। सो अपन इधर अपने अंदर भी यार सैलमोन भाई वाली आत्मा आ जाती, सीधा यार इस पर बग्गी चढ़ाते हैं उसके बाद यहाँ से निकल लेते एंड यहाँ पे एक डासे वाला बंदा भी मेरा पीछा कर रहा था। पहले तो यहाँ पे मैं सोचता हूँ कि यार ये वाले बंदे को सीट चेंज करके मारूंगा लेकिन यार बग्गी के अंदर बैठा हूँ तो यार वहाँ पे रिस्क ज़्यादा रहेगा, अगर वो बंदे ने भी सीट चेंज करके मारने का ट्राई किया तो यार फिर अपनी PT बन जाएगी यहाँ पे। और भाई जो बंदा था ना वो तो भाई इधर कुछ खतरनाक स्टंट करते करते जा रहा था लेकिन भाई अपन इसको कहीं स्टंट करने देते, आराम से बंदे को यार यहाँ पे डासिया से उतारते उसके बाद इसकी लूट वूट करता हूँ मैं। और अभी भी यार इधर जोन जो था वो भी इधर क्लोज इन हो ही रहा था तो यहाँ पे मैं लूट के सोचता हूँ कि चलो सामने वाली रिच पे जाके थोड़ी देर होल्ड करूँगा, क्योंकि वो जो रिच थी ना वो अभी के लिए यार जोन के ऑलमोस्ट सेंटर में थी। और भाई जैसी वाले रिच पे पहुंचता ना मेरे को लेफ्ट साइड वाले कंपाउंड से फायर का साउंड आता है, अब जैसे वहाँ पे स्कोपिंग करके देखता हूँ ना तो बंदा इधर मेरे को ओपन में दिखता है एंड भाई तुरंत ही बंदे के ऊपर स्प्रे लेता हूँ एंड आराम से यार ये वाले बंदे को भर देते। फिलहाल के लिए अपने टोटल 8 किल्स हो चुके थे, अब यहाँ पे मैं सोचता कि चलो ये वाले बंदे की थोड़ी बहुत लूट भी कर लेता हूँ मैं, क्योंकि अभी भी यार यहाँ पे मेरे को थोड़ी बहुत लूट चाहिए थी। अब जैसे यार ये वाले बंदे को लूटता हूँ इसके बाद वाला जोन जो था ना वो भी यार यहाँ पे बन चुका था एंड अब यहाँ पे मेरे को लग रहा था कि यार जोन जो है ना वो शायद से वाटर सिटी की तरफ जा सकता था, इसी वजह से यार मैं अपनी बग्गी उठाता हूँ और सीधा यार ये वाले स्क्वाड हाउस पे पुश कर देता हूँ। लेकिन जैसे यार यहाँ पे मैं पहुँचता ना तो यहाँ पे मेरे को स्क्वाड हाउस में एक बग्गी लगी हुई दिख जाती, लेकिन भाई अभी तक किसी भी बंदे ने यहाँ पे फुटस्टेप नहीं दिए थे तो मैं समझ गया था यार शायद से बंदा जो है ना वो यार इधर बहुत गंदा वाला कैम करके बैठा है। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं एक नीड का पिन खींचता हूँ, शायद से अगर बंदा इधर कोई भी फुटस्टेप दे दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन बंदे ने अभी तक मेरे को फुटस्टेप नहीं दिया था। उसके बाद धीरे धीरे यार यहाँ पे मैं सीढ़ियों की तरफ जाता हूँ, लेकिन उतने
इतने में भाई यहाँ पे एक और बग्गी वाला बंदा आ जाता है एंड इसको भी यार आराम से पेल देते, लेकिन अभी तक यार यहाँ पे किसी भी बंदे मैंने मेरे को फुटस्टेप नहीं दिया था। तो यहाँ पे मेरे को थोड़ा बहुत शक तो हो रहा था कि यार शायद से यहाँ पे कोई भी बंदा नहीं होगा, लेकिन फिर भी यार मेरे को डर तो लग रहा था ऊपर जाने में, क्योंकि क्या पता यार बंदा जो है ना वो एकदम ही खतरनाक वाला टीपी भी लेके बैठा हो, जैसे ऊपर की साइड जाऊंगा तुरंत ही बंदा भर देगा। इसलिए यार यहाँ पे मैं फूक फूक के कदम रखता हूँ एंड देखता हूँ कि यार कहीं पे बंदा ना हो। एंड अभी के लिए यार यहाँ पे मेरे को कहीं पे भी बंदा नहीं दिखता, लेकिन सामने वाला जो छोटा रूम था ना मेरे को लगा यार शायद से वहाँ पे कोई बंदा हो सकता है, इसी वजह से यहाँ पे एक नेट भी मैं फेंकता हूँ, लेकिन नेट से भी भाई कोई भी बंदा फूटता है नहीं। सो अभी के लिए यार यहाँ पे मैं समझ गया था कि यार जो फर्स्ट फ्लोर है ना वो इधर क्लियर हो चुका है, फर्स्ट फ्लोर पे कोई नहीं। अब यहाँ पे टेरिस की बारी थी एंड टेरिस पे भी यार यहाँ पे कोई भी मेरे को नहीं दिखता। सो अब यहाँ पे मैं समझ गया था कि यार चलो पूरा स्क्वाड आउट जो है ना वो यार यहाँ पे क्लियर हो चुका है, बाकी अभी इधर जोन अपने पे बना हुआ था। तो अभी के लिए यार आराम से मैं नीचे वाले बंदे को लूटूंगा एंड अभी के लिए यार अपन यहीं पे होल्ड करेंगे। अब भाई यहाँ पे होल्ड करते करते काफी टाइम हो चुका था एंड इसके बाद वाला जोन भी अभी बन चुका था। सामने की साइड एक बंदा आके रश किया था एंड वो दोनों बंदों की इधर फाइट हो जाती है, जिसमें से यार एक बंदा दूसरे बंदे को भर देता है। अब बात आ जाती है कि यहाँ पे जो बंदा होल्ड कर रहा था ना उसकी पेटी यार मेरे को एट द एंड यहाँ पे ऊपर साइड दिख जाती है, मतलब यहाँ पे मैं समझ गया था यार यहाँ पे दो बंदों की फाइट हुई थी, जिसमें से कि यार बचा हुआ बंदा यहाँ से निकल गया था। बाकी देखो अब सामने वाला बंदा जो था ना वो भाई यहाँ पे मेरे ऊपर ही हार्ड पिक लेके बैठा था। सो मैं सोचता हूँ कि चलो नीचे की साइड जो बंदी की क्रेट पड़ी है ना उसमें भाई इधर ओम है, तो ओम उठाने में जाता हूँ। लेकिन जब तक यहाँ पे ओम उठाता ना बंदा इधर मेरे पे पुश कर देता है। अब भाई बंदा यहाँ पे पुश करने तो आ गया था, लेकिन उसको नहीं पता था कि मैं यहाँ पे नीड कुक करके बैठा हूँ। अब बंदे ने यहाँ पे पुश तो कर दिया था, लेकिन यार गलत बंदे के ऊपर पुश करके यार बंदा पछता रहा होगा। बाकी इसके बाद वाला जोन जो था ना वो भाई यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। सो अब यहाँ पे मैं समझ गया था कि यार चलो अब लास्ट जोन बन चुका है, अब यहाँ पे ओम का कुछ काम है नहीं, इसी वजह से मैं वापस से यार यहाँ पे M4 उठा लेता हूँ एंड मैं अपनी थोड़ी बहुत लूट कम्प्लीट करके वापस से यार यहाँ से जोन के अंदर निकल लेता हूँ। अब भाई फिलहाल के लिए वाली जो रिच थी ना वो जोन के अंदर थी एंड अभी के लिए यार यहाँ पे कोई भी बंदा था नहीं, तो आराम से यार यहाँ पे आके कवर बना लेता हूँ। लेकिन अब यहाँ पे ना मेरे 3 शील्ड्स यूज हो गए थे एंड मेरे को लगा कि यार यहाँ पे ना अभी के लिए कोई बंदा आने का ट्राई नहीं करेगा, और बैग भी थोड़ा बहुत खाली हो चुका था। तो मैं वापस से यार ये वाले बंदी के क्रेट पे आता हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़े बहुत ग्रेनेड्स भी चाहिए थे। तो ये वाले बंदी के क्रेट में वापस से यार ग्रेनेड्स उठाता हूँ और अब यहाँ पे जोन की तरफ निकल लूंगा। और भाई जैसे जोन के अंदर वापस से आता ना यहाँ पे मेरे को जोन के बाहर एक बंदा दिख जाता है, इसको पीलता हूँ एंड उसके तुरंत ही बात है यहाँ पे मेरे को स्क्वाड हाउस की साइड से एक बग्गी का साउंड आता है। और भाई ये वाला बंदा भी अपनी बग्गी लेके यार वहाँ से जोन के अंदर निकलने का ट्राई करता है, लेकिन इसको भी यार आराम से पील देते। बाकी इसके बाद वाला जोन जो था ना वो थोड़ा सा आगे साइड शिफ्ट हो चुका था एंड मेरे पीछे की साइड पे एक बंदा आ जाता है। तो अभी के लिए मेरे को लाइक यार वो वाली जगह पे होल्ड करना सही नहीं रहेगा, इसी वजह से यार यहाँ पे मैं जोन के अंदर आ जाता हूँ। अब ये वाली रिच जो थी ना वो यार फिलहाल इधर जोन के अंदर थी, तो अभी के लिए यार यहाँ पे मैं अच्छा खासा कवर बना के बैठ जाऊँगा। अभी के लिए यार यहाँ पे पूरा एक जोन में होल्ड कर चुका था एंड इसके बाद वाला जोन भी यहाँ पे बन चुका था। अब अपन जोन के अंदर तो थे, लेकिन यहाँ पे सीन ऐसा होता है कि मेरे पीछे की साइड जो बंदा था ना वो यार इधर धीरे धीरे जोन के अंदर क्लोज इन करने का ट्राई करता है, लेकिन यार उसको भी अपन आराम से पेल देते। बाकी अभी इधर इसके बाद वाला जोन जो था ना वो भी इधर स्टार्ट होने वाला था।
और यहाँ पे मेरे को पता था कि मेरे पीछे वाले कंपाउंड में एक बंदा है जिसको कि यार यहाँ पे जोन के अंदर आना है। तो सबसे पहले तो मैं अपने ऊपर स्मोक कर देता हूँ ताकि कोई बंदा इधर मेरे को स्पॉट ना कर पाए। बाकी अब इधर नेक्स्ट जोन जो था ना वो भी इधर ऑलमोस्ट बन चुका था एंड फाइनली इसके बाद वाला जोन जो था ना वो अपने पीछे शिफ्ट हो चुका था। अब यहाँ पे मैं देख रहा था कि यार राइट साइड वाली रिज अगर जोन के अंदर होगी तो ज्यादा बेटर रहेगा एंड यार ये वाली रिज हल्की सी जोन के अंदर थी। लेकिन जैसे यहाँ पे मैं पहुंचता ना तो मेरे को समझ में आता है कि मेरे आगे की साइड भी एक बंदा होल्ड कर रहा है। अब गाइस यहाँ पे मैं चाहता तो यार बंदे को आराम से गन से निपटा देता लेकिन यहाँ पे मैं थ्रोबल्स का यूज़ करता क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी पोजीशन रिवील नहीं करना चाहता था एंड अभी के लिए यार इसके बाद वाला जोन जो था ना वो अपने से ज़्यादा दूर था नहीं एंड ये वाली जगह से यार मेरे को हर एक बंदे का व्यू आ रहा था। सो यहाँ पे मैं एक शील्ड लगाता हूँ एंड देखता हूँ कि यार कहाँ कहाँ पे बंदे। राइट साइड में मेरे को एक हल्का सा बंदा भी स्पॉट होता है एंड लेफ्ट साइड में भी यार यहाँ पे फाइट्स हो रही थी। अभी के लिए यार यहाँ पे अपने को बस एक ही चीज़ करनी थी, वेट करना था एंड देखना था कि यार अगर सामने वाले बंदे आपस में फाइट करेंगे तो यार अपन आराम से यहाँ पे थर्ड पार्टी करके चिकन निकाल लेंगे। और भाई अभी के लिए यहाँ पे लास्ट जोन बन चुका था एंड यहाँ पे बस 1v1 की फाइट ही बची थी क्योंकि सामने की साइड एक बंदा जो था ना वो यार ग्रोजा से दूसरे बंदे को भर देता। अब यहाँ पे मेरे को पता था कि बस एक ही बंदा बचा है तो यहाँ पे मैं ज़्यादा गोलियाँ रखता हूँ नहीं, जितने भी यहाँ पे मेरे को थ्रोबल्स मिलते ना सारे के सारे थ्रोबल्स उठाता हूँ एंड आगे की साइड आ जाता हूँ और अब ये वाले बंदे को भरना स्टार्ट करता हूँ। और भाई जब तक यहाँ पे स्मोक था ना तब तक तो मेरे को बंदा स्पॉट नहीं हो रहा था लेकिन जैसे यहाँ पे स्मोक हटता है ना तो बंदा इधर मेरे को सामने की साइड ही दिख जाता है। तुरंत यार एक दो नेट करता है एंड आराम से बंदे को पील देते। बाकी यार ये वाली गेम में अपने को 43 का प्लस मिल जाता है। सो बस ये था आजकल गेम प्ले। अगर वीडियो पसंद तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर कहीं से भी ना हो चैनल को सब्सक्राइब तो मार ही देना एंड अगर वीडियो को ज़्यादा पसंद आए तो शेयर कर देना। बाकी यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल गाइस।